एंड मुझे याद है मैं यही एग्जैक्टली यहीं पे थी, मैं बेड पे बैठी हुई थी एंड शोएब शूट पे थे और मैंने शोएब को पिक्चर भेजा एंड मतलब मैंने मैंने दो तीन दिन तो अपने डॉक्टर को भी नहीं बताया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी या मैं इतनी ज़्यादा वही झिझक में थी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो शोएब ने बोला बेटा बताया, मैं बोला नहीं, एक दो दिन और रुकते हैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ या तब तक यू नो HCG जो आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है वो करा लेती हूँ एंड देन आई गो टू द डॉक्टर। एंड फिर उसके बाद मैंने जब अपने डॉक्टर से बात की तो शी सेड वेरी गुड, जस्ट टेक इट ईजी, ये स्टार्ट करो मेडिसिंस। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला इतनी दूर आके मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट ईजी एंड कम फॉर द फर्स्ट स्कैन ऑन सो एंड सो डेट, उन्होंने मुझे डेट दे दी। लेकिन उस बीच अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ जो मुझे कुछ सिम्टम्स होने लगे एंड सो मैं अगेन ये भी बोलना चाहूंगी कि एज मदर्स जब भी आप इट फील्स सो गुड टू कॉल माई सेल्फ दैट कि जब भी आप कैरी करते हो, स्पेशली आपका फर्स्ट बेबी है, जब आपको किसी चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता होता, तो जो भी आपको लगे कि ये कुछ अलग है आप प्लीज अपनी डॉक्टर के साथ शेयर करें या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल है इस बारे में। सो आई हैड अ फ्रेंड हु हैज जस्ट डिलीवर्ड सो शी वॉज यू नो कैरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड तो मैं उनसे हमेशा पूछती रहती थी एंड ऑफकोर्स माई डॉक्टर हैज बिन वेरी अप्रोचेबल, तो मैं हमेशा अपने डॉक्टर को एक मैसेज ड्रॉप कर देती थी, इफ नॉट इमीडिएटली तो वो एक दो घंटे में तो रिप्लाई कर ही देती थी, तो इट यूज टू बी वेरी वेरी यू नो हिम्मत मिल जाती थी कि वो सही है या गलत है या जो हो रहा है वो होता ही है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो मेरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैंने अपने डॉक्टर से शेयर किया एंड इनिशियली शी सेड इट्स ओके क्योंकि ज्यादा नहीं था। सो मुझे बेसिकली जो है थोड़ी सी स्पॉटिंग शुरू होने लगी थी, बहुत हल्की सी एंड तो शुरुआत में वो ज्यादा नहीं थी एंड डॉक्टर सेड कि इट्स ओके जस्ट रेस्ट इट आउट, डोंट मूव अराउंड, कोई मेडिकेशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन विद इन टू डेज वो थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड दैट्स वेन माई डॉक्टर सेड कि कैन यू कम डाउन, देन आई वेंट एंड उन्होंने मुझे स्कैन किया, फाउंड आउट दैट एक छोटा सा ब्लीड था जो उस टाइम के हिसाब से यू नो बेबी के लिए हार्मफुल था क्योंकि इट वॉज अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड उस टाइम आपका जो बेबी होता है वो बहुत टाइनी होता है, बहुत ज़्यादा टाइनी होता है, तो जो ब्लीड था वो उससे बड़ा था, तो इसलिए हम इट वॉज अ लिटिल वरीसम। तो शी पुट मी ऑन रिक्वायर्ड मेडिसिन एंड शी पुट मी ऑन कम्प्लीट बेड रेस्ट। मैं पूरा दिन मैं लेटी रहती थी, थोड़ा अगर वॉक करना है इस कमरे से दूसरे कमरे तक दैट्स फाइन एंड देन उसी बीच आई कॉट कोल्ड एंड कॉफ का इन्फेक्शन। तो अगेन फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। एक बहुत बड़ी चीज़ है जब प्रेगनेंसी आपकी होती है आपकी इम्यूनिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है एंड आप इन्फेक्शन कैच करो, सर्दी खांसी बुखार ये सब बहुत नॉर्मल है, आप कैच करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिकेशन नहीं दी जा सकती। सो आई हैव डन, आई हैव केप्ट माय गायनेक एंड माय एंड मेरी गायनेक ने ही सजेस्ट किया था कि आपके जो फिजिशियन है, हमारे फिजिशियन तुषार शाह, डॉक्टर तुषार शाह तो आप सब जानते हैं, तो ये दोनों लूप में है कि मैं कब क्या बीमार हो रही हूँ और मेरे अंदर क्या मेडिसिन जा रही हैं। मेरी सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने एंटीबायोटिक भी लिया है, मुझे एक स्प्रे भी स्टार्ट करना पड़ा है, मुझे कुछ दिनों के लिए इनहेलर भी स्टार्ट करना पड़ा है, तो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह द बेबी इज़ ऑल्सो फाइन बिकॉज इट वॉज ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ माई डॉक्टर्स। सो द रीजन ऑफ मी शेयरिंग दिस इज ऑल्सो अगेन बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल, हम में से बहुत लेडीज इस दौरान बीमार पड़ती होंगी, पर सफर मत कीजिए, प्लीज 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 अपने डॉक्टर से बात कीजिए, दे विल गाइड यू टू अ सोल्यूशन, क्योंकि आपके बेबी के ठीक रहने के लिए आपका ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब मैं अंदर आके बैठ गई हूँ क्योंकि मैं बाहर बैठे बैठे थक भी गई थी और बाहर थोड़ा अंधेरा भी हो गया, मच्छर भी आने लगे हैं, सो येस नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और एक्चुअली मैं जहां से बात मैंने शुरू की थी मैं वो पूरा लॉस्ट हो गई,
सो मुझे लगता है कि कई सारी लेडीज के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ स्पेशली ऐसा हुआ है कि जब से पता चला कि नाउ आई हैव कंसीव्ड एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, तो ऑटोमेटिकली एक वो फीलिंग आ जाती है कि आप अपना भी और ज्यादा ख्याल रखने लगते हो. ऑब्वियसली बिकॉज आप अभी अपना ख्याल सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहे, अपने बेबी के लिए भी रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज एक आ जाती है कि यू बिकम कॉन्शियस अबाउट अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर. सो विच इज वेरी स्वीट. मैं आज जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये होता है, या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर किसी के साथ हुआ है. लेकिन आई एम श्योर ये जब होता है तो शेयर करने की हर किसी की एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा होती है, और वो फीलिंग उतनी ही ज्यादा स्पेशल होती है. एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल. सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो आई थिंक इज योर डाइट एंड रेस्ट. मुझे लगता है कि मेरे केस में सबसे प्यारी बात ये है कि आई हैव बोथ माई मदर्स विथ मी. अम्मी भी हैं एंड मम्मी भी हैं. तो पूरा दिन क्या खाना है, कितनी बार खाना है, कैसा खाना है, वो मम्मी किचन में, कभी मैं रात को उठ के कुछ बोलती हूँ मुझे भूख लगी है तो वो मम्मी बना रही हैं, अम्मी को कभी बोलती हूँ अम्मी आज मटर पुलाव चाहिए, अम्मी आज चिकन चाहिए, तो वो बेचारी हर दूसरे दिन चिकन बना रही होती हैं. मम्मी दिन में कुछ दो दो तीन तीन अलग 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 टाइप की सब्जियां बना रही होती हैं, क्योंकि मुझे कभी मन करता है कि हाँ मुझे आज पालक खानी है. फिर कभी ऐसे होता है कि प्लेट में लौकी बन के रखी है पर नहीं मम्मी आज मन नहीं कर रहा, फिर वो तुरंत मुझे या तो कोई पुलाव या मुझे कोई दाल बना के दे देंगी. तो मेरे केस में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मुझे केयर जो दोनों तरफ से बहुत अबेंडेंस में मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ. एंड शायद इसी वजह से यू नो डॉक्टर ने जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर एंड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग एंड स्टेइंग हैप्पी. यस, स्टेइंग हैप्पी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर प्रेग्नेंट लेडी की फैमिली से, स्पेशली हस्बैंड्स से बोलना चाहूंगी कि वो खुद खुश रहें अंदर से. पॉसिबल है, बट ज्यादा पॉसिबल तब है जब आप मेक श्योर करो कि उसके पास का जो एनवायरमेंट है वो खुशहाल हो. लाइक शोएब हैज बीन सच अ बिग सपोर्ट, मतलब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं वो कैसे हैं. तो पूरा वक्त मुझे खुश रखना, मेरे आसपास एक माहौल बनाए रखना जिसमें सब कुछ अच्छा हो, अम्मी का हमेशा आसपास रहना, बच्चों का रहना, मेरी मम्मी का यहाँ रहना, एवरीथिंग. सो द एंटायर फैमिली एंड शोएब टू टॉप इट ऑल हैज बीन देयर कि तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बस तुम आराम करो. बिकॉज आपका, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आपका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है. आप कभी भी सो रहे हो, आप कभी भी उठ रहे हो, आपको कभी भी नौशिया हो रहा है, आपको कभी भी गिडी फील हो रहा है. मेरे साथ ये सब हुआ है. यस, मैंने अपने से ज्यादा भी कई अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझसे ज्यादा बीमार पड़ी हैं. तो कईयों की मुझसे ज्यादा बुरी हालत भी मैंने देखी है, और कईयों से मुझसे कम भी देखी है. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी की कैसा हुआ, एंड यू नो आपका वो 3 महीना कैसे बीता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी. सो फाइनली अभी 3 मंथ्स की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है, एंड जो आने वाले 3 मंथ्स हैं, जो सेकेंड ट्रिमेस्टर जिसके लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा फन वाला आपका पीरियड होता है ऑफ प्रेगनेंसी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड नाउ दैट वी हैव शेयर्ड द न्यूज आप सबके साथ, सो आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड. सो लेट्स होप कि ये जर्नी इसी तरह खूबसूरती से बीते. इस अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि हमारा ये जो आने वाला बेबी है ये बिल्कुल हेल्दी वे में इस दुनिया में आ जाए, और इससे ज़्यादा इस वक्त और कोई विश नहीं है बस. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड सॉरी आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, एंड मुझे नहीं पता मैं कुछ काम का शेयर कर पाई या नहीं, आई होप मैंने किया हो. एंड बहुत जल्द मिलेंगे आप एक नए व्लॉग के साथ, एंड लव यू गाइस दिल से.